सत श्री अकाल, नमस्ते और हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल टेक विद सिंह पे। दोस्तों, रिसेंटली हमारे व्यूअर ने सजेस्ट किया था कि सर इंडियन ऑयल HDFC क्रेडिट कार्ड के बारे में वीडियो बनाएगा, तो दोस्तों आज आपके लिए हाजिर कर रहा हूं ये वीडियो। यही चाहूंगा इस वीडियो को एंड तक देखेगा, बिल्कुल भी स्किप मत करेगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक करेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस क्रेडिट के, आपको नाम से पता लग रहा है कि ये क्रेडिट कार्ड स्पेशली डिजाइन किया गया है उन लोगों के लिए जो लोग फ्यूल मोस्टली डलवाते हैं। सबसे पहले बात दोस्तों यह कि अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है और आपकी सैलरी कम है तो भी आप इस क्रेडिट की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो। इसकी जो एनुअल फीस और जो इसकी रिन्यूअल फीस है वो बहुत ही कम है, जो कि आगे मैं आपको कवर करने वाला हूं। और ये क्रेडिट कार्ड दावा करते हैं कंपनी की आप एक साल में लगभग 50 लीटर का जो पेट्रोल है वो आपको फ्यूल फ्री मिलने वाला है, जो कि आने वाले वीडियो में भी कवर हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले अगर बात करूं इसके बेनिफिट्स एंड फीचर्स की, आपको दोस्तों 5% फ्यूल पॉइंट्स मिलते हैं। इसमें आपको फ्यूल पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप इंडियन ऑयल के जो आउटलेट्स है उस पे पेट्रोल डलवाते हो। उसके अलावा दोस्तों आपको 5% मिलने वाले हैं फ्यूल पॉइंट्स अगर आप ग्रोसरी के ऊपर कोई भी चीज खरीदते हो, और एक महीने में दोस्तों लगभग आप 100 रुपए तक फ्यूल पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों 5% आपको बिल पेमेंट्स पे फ्यूल पॉइंट्स मिलेंगे, और वही सेम क्राइटेरिया कि आप एक महीने में 100 रुपए तक जो है आपको फ्यूल पॉइंट्स मिलने वाले हैं। और एक दोस्तों फ्यूल पॉइंट की जो अगर आपको तब मिलेगा जब आप 150 रुपए स्पेंड कर देते हो कोई भी कैटेगरीज के ऊपर। उसका सबसे अच्छी बात दोस्तों है कि इसमें आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, बट मेक श्योर कि जो ट्रांजैक्शन है मिनिमम अमाउंट जो आप डलवा रहे हो वो 400 रुपए से ऊपर होनी चाहिए, 400 रुपए तक होनी चाहिए। और आपको बहुत सारे दोस्तों रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपको दोस्तों पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं फ्यूल पॉइंट्स, उसको आप इंडियन ऑयल के जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स है उसमें आप रिडीम कर सकते हो। आपने क्या करना है दोस्तों, वो फ्यूल पॉइंट्स को इकट्ठे करना है। उसके बाद दोस्तों आपने जब कलेक्ट कर लोगे, आपने जो भी 20,000 से ऊपर इनके इंडियन ऑयल आउटलेट्स है, पेट्रोल पंप्स है इंडिया में, उन पे आप क्या करोगे दोस्तों, अगर आपके पास सोचो एक फ्यूल पॉइंट है तो आपको 3 एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स उसके मिलेंगे। और अगर आपके पास 1 एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट है तो आपको मिलने वाले हैं 0.30। तो ये इसका क्राइटेरिया रहेगा। मतलब आप ये सोच लीजिए कि अगर आपके पास खाली एक फ्यूल पॉइंट आता तो उसको आपको 3 एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं। बाकी दोस्तों 0 लायबिलिटी कार्ड है। अगर आपसे क्रेडिट कार्ड गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है, कोई भी दिक्कत होती है, आप कंपनी में कॉल कर सकते हो। लगभग आपकी दोस्तों इसमें इंश्योरेंस भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। दोस्तों बात करूं फ्यूल पॉइंट वैलिडिटी की, तो लगभग ये 2 साल के लिए वैलिडिटी होती है। अगर सपोज करिए आपने मई 2017 में ये लिया है तो मई 2019 में जो पॉइंट्स आपके एक्सपायर हो जाएंगे। दोस्तों ये थे इसके फीस एंड चार्ज। दोस्तों बात करो इस क्रेडिट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों लोग इस क्रेडिट के अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सैलरीड की, तो आपकी एज होनी चाहिए 21 से लेकर 60 साल के बीच में, और आपकी जो इनकम होनी चाहिए मंथली इनकम दोस्तों वो होनी चाहिए 12,000 रुपए। अगर उससे ज्यादा भी है या उससे कम भी है दोस्तों, वो डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर के ऊपर, आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। उसके अलावा दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड अगर मैं बात करूं, तो आपकी एज होनी चाहिए 21 से लेकर 65 साल के बीच में, और जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए साल की दोस्तों वो है 2 लाख रुपए। अगर 2 लाख रुपए से कम भी आप ट्राई कर सकते हो, बट या अगर 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा, तो आपको डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। अब अगर दोस्तों बात करूं मेन जो यहाँ पे आता है कि फीस एंड चार्जेस, क्या इसकी ज्वाइनिंग फीस है, क्या इसकी एनुअल फीस है। दोस्तों जो इसकी ज्वाइनिंग फीस है वो भी है 500 रुपए प्लस जीएसटी, और जो इसकी एनुअल फीस है वो भी है 500 रुपए प्लस जीएसटी, बट वो वेव ऑफ हो जाएगी एक कंडीशन पे, अगर आपने एक साल में 50,000 से ऊपर के स्पेंड कर दिया इस क्रेडिट कार्ड से। अब दोस्तों बात करूं कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, दोस्तों ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑफलाइन के लिए दोस्तों आपको ब्रांच पे विजिट करना पड़ेगा, फिर आप इस क्रेडिट की डिमांड रख के क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो। बात करो ऑनलाइन की, दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाके आप अपने पर्सनल अपने ऑक्यूपेशन डिटेल्स को फिल करना है, और अगर आप एलिजिबल होते तो दोस्तों विद इन 15 से 20 वर्किंग डेज के अंदर आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्रेडिट के रिव्यू की और एक्स्ट्रा जो नॉलेज है आपको फ्यूल पॉइंट्स के देने की, दोस्तों सबसे पहले तो एक क्रेडिट कार्ड बढ़िया है। अगर आपने लेना है, आपकी सैलरी कम है, आप फ्यूल डलवाते हो, दोस्तों मैं ये चाहूंगा कि आप इस क्रेडिट को ले सकते हो। और फ्यूल पॉइंट्स की बात करूं दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको मुझे लगता है कि नहीं पता होगी जिनके पास ये क्रेडिट कार्ड है या जो लेने वाले है। दोस्तों सपोज करिए कि आपकी स्टेटमेंट हर महीने की 18 तारीख को आती है, तो आप एक बात ये सोच लिए कि आपने एक महीने में ट्रांजैक्शंस करी, सपोज करिए आपने 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक की जो ट्रांजैक्शंस कर दी, तो दोस्तों उनके जो फ्यूल पॉइंट्स आपको मिलने हैं दोस्तों, वो अक्टूबर में 1 अक्टूबर को आपको शो कर देगा, बट वो स्टेटमेंट में आपको 18 अक्टूबर को शो करेगा। 1 अक्टूबर को वो खाली आपको बता देगा कि आपकी जो सितंबर में जो जितने भी फ्यूल पॉइंट्स थे वो आपको 1 अक्टूबर को दिखा देगा, बट जो आपकी स्टेटमेंट जो 18 तारीख को आने वाले अक्टूबर को, उसमें जो है उसका सारा स्टेटमेंट में पता लग जाएगा कि कितने आपको रिवॉर्ड्स फ्यूल पॉइंट्स मिले। तो दोस्तों ये बात आपको स्पेशली बताने वाला था, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता है। अब दोस्तों होप करूंगा कि आपको सारी डिटेल्स अच्छे से समझ आ गई होगी, आपको मैंने सारी डिटेल्स दे दी है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक करेगा, और पसंद आए तो शेयर करेगा।
कोई भी प्रॉब्लम है कोई दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर कमेंट कर दीजिए कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है, आपको क्या चीज सही लगी, ताकि जो बाकी की ऑडियंस है, जो व्यूअर्स है, वो देखेंगे, उनको और अच्छी हेल्प मिल सके। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो पे। धन्यवाद।